नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा ओमनी जेल के बारे में। ओमनी जेल सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई गई एक बेस्ट और जेन्युइन चीज है। इसका इस्तेमाल दर्द निवारक चीजों में किया जाता है। ओमनी जेल का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, ओमनी जेल, वॉलिनी जेल, ऐसे करके आपको बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि दर्द में, चोट में, सूजन में आप इसका इस्तेमाल करें। कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के अंदर यह आती है, कुछ इस प्रकार के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, दर्द सूजन जकड़न से राहत पाने के लिए। कुछ इसकी MRP वगैरह भी लिखी हुई है, जैसे कि 121 रुपये इसका प्राइस है और ये 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक ये वैलिड होती है। जनवरी 23 में बनी थी, दिसंबर 24 में खत्म हो जाएगी, इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखाई देती है ओमनी जेल। आज हम आपको इसके बारे में रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, क्या आपको यह दर्द के अलावा कोई और फायदा भी देता है, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हेल्थ के बारे में, मेडिसिंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, जो ओमनी जेल है, वॉलनी जेल है, कोई भी जेल हो जिसके अंदर डायक्लोफेनिक मिला हुआ है। डायक्लोफेनिक एक साल्ट होता है जिसे नसेड कैटेगरी बिलोंग करता है। जिस भी चीज के अंदर डायक्लोफेनिक, डाईएथाइलामाइन, ऐसे करके डायक्लोफेनिक जो साल्ट मिला हुआ है वो दर्द की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड नंबर पर इसके अंदर वर्जिन लिनसाइड ऑयल पाया जाता है। लिनसाइड नाम का एक पौधा होता है, उसका तेल यहाँ पर निकाल के इसमें मिक्स किया जाता है। वहीं पर एक मिथाइल सैलिसाइट्रेट होता है जो कि सूजन वगैरह में काफी ज्यादा आराम देता है, और मेथनॉल जेल भी होता है जो कि सूजन संबंधी बहुत ज्यादा मदद करता है, सूजन अवरोधी से जाना जाता है। यह आपके दर्द हुआ, सूजन हुआ, जकड़न हुआ, इन सभी से राहत दिलाने में मदद करता है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि हमेशा इसे बाहरी परत, यानी कि जो हमारी बाहरी त्वचा होती है उसी पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप इसे इंटरनली, मुंह के रास्ते बिल्कुल ना लें, वरना आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें। अगर इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जाने तो इसमें वर्जिन लिनसाइडोल लगभग 3% वेट बाई वेट के प्रेजेंट होता है, मतलब जितना इसका वेट है उसके वेट के हिसाब से 3% प्रेजेंट होता है। 30 ग्राम की पैकेजिंग है। डाइक्लोफेनिक इसके अंदर 1.16% प्रेजेंट होता है वेट बाय वेट के, और जो डाइक्लोफेनिक डाइएथाइल है वो उतना ही प्रेजेंट है जितना डाइक्लोफेनिक सोडियम प्रेजेंट है, लगभग 1% के आसपास। मिथाइल सैलिसाइट इसके अंदर 10% प्रेजेंट है और मेथनॉल इसके अंदर 5% है। इसके अलावा कुछ बेंजाइल एल्कोहल वगैरह भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि 1% की मात्रा में है यहाँ पर। इसे आप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर आप स्टोर कर सकते हैं, उससे नीचे कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए। जानते हैं दोस्तों इसके फायदों के बारे में, तो फायदे मैंने सिंपल तरीके से बताए हैं। अगर आपको दर्द होता है कहीं पर, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये कोहनी का दर्द है, ये पैर टखने का दर्द है, कमर का दर्द है, जॉइंट्स का पेन है, नेक का पेन है, कोई चोट लग गई है, कोई मोच आ गई है, कमर के अंदर दर्द हो रहा है और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द हो रहा है आपके, या फिर जहां भी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, पैर के टखनों में दर्द हो रहा है, पैर की उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथ की उंगलियों में दर्द हो रहा है, कोई चोट लग गई है, कोई फ्रैक्चर आ गया है, ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल बेझिझक तौर पर कर सकते हैं। इसको सिर्फ लगाना होता है और कुछ नहीं। दिन में 2 बार आप इसे लगा सकते हैं, एक बार सुबह सुबह नहाने के बाद, एक बार रात को सोने से पहले। यह आपके दर्द को एक बार में ही खींच लेता है। 7-5 दिन लगाने से दर्द, सूजन, मोच वगैरह में काफी ज्यादा आराम मिलता है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ओमनी जेल का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट इंस्टेंट होता है, यानी कि आपको पेन से, स्पेन से, स्ट्रेन से, खिंचावट से, जकड़न से बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो आप इसको लगाकर फ्रैक्चर पर काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में फ्रैक्चर पे POP किया जाती है, प्लास्टर और पेरिस लगाया जाता है और प्लास्टर करके उसे ठीक किया जाता है, लेकिन अगर किसी को हल्की फुल्की चोट आई है, मांस फट गया है या फिर हड्डी की हल्की सी चोट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डाइक्लोफेनिक जेल या फिर ओमनी जेल या वॉलनी जेल लगा देते हैं और गर्म पट्टी जिसे हम बोलते हैं, क्रैप बैंडेज जिसे नाम से जाना जाता है, 4 इंची, 6 इंची, उसको अच्छी तरह से लपेट देते हैं।
ऐसे करके भी बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है पेन से। दोस्तों हमारा पर्पज लोगों तक जागरूकता फैलाना है, अच्छी दवाइयों के बारे में लोगों तक जानकारी देना है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जो इसे आप कभी भी इंटरनली यूज ना करें, अगर इंटरनली यूज करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें, इसे सिर्फ बॉडी पर लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर में इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही दर्द, सूजन, राहत मिल जाती है, पूरी तरीके से जकड़न खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरी बस यही उम्मीद है कि आप ऐसी वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने 10 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें ऐसी नॉलेज मिलती रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को सेफ रखें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।